वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारो सिंह साहब शानू करोड़ी सिंह साहब बाबा संता सिंह जी आप बड़े लांगड़ी सन, आप बड़े हलवाई सन। हर चीज़ बाबा संता सिंह तैयार कर लेंदे सन। उन्होंने तो बाबा खड़क सिंह जी जो मीर जहेदार सन उन्होंने सारिया सेवावान लांगड़ी दियाँ हलवाई दियाँ सिखिया सन। बाबा खड़क सिंह जी को सिंह साहब बाबा सरजीत सिंह छियानवे करोड़ी ने सारे हलवाई के गुण लांगड़ी के गुण सीखे सन। इस करके बाबा सरजीत सिंह ने लंगर की बहुत सेवा की। सहजे सहजे बाबा जी ने नगारती पदवी मिल गई। नगारती रहे बाबा सरजीत सिंह बहुत चिर नगारती रहे, दलपंथ से सेवा करते रहे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़े दल के नाल टकसाल का बहुत डूंगा रिश्ता, नौ माह का रिश्ता, क्योंकि जो टकसाल से भी पढ़ाई करके बुढ़े दल से भी जाके सेवा करते होंगे सन। सिंह बाबा गुरवर्ण सिंह जी भिंडर वाले उन्होंने 5 साल बाबा चेत सिंह जी दे वेले बुढ़े दल के आसा दीवार का कीर्तन किया, हैद ग्रंथी रहे। इस करके टकसाल का बुढ़े दल का बहुत नेड़े का रिश्ता। दिल्ली के मोर्चे बाबा करतार सिंह जी गए, बाबा बिशन सिंह जी शहीदान मिसल, बाबा दीप सिंह दे जथेदार, बाबा बिशन सिंह छोटे जहदार मीर जहदार, बाबा कान सिंह जी, बाबा सोहन सिंह जी दे पतंगी, बाबा दया सिंह जी विधि जंदीए, बाबा कुंडन सिंह जी भिखी मंडीए, होर इस तरह करके जिन्हें भी तरने दल सन सारे इकत्र हो गए। बुढ़े दल के नाल महला खेड के अमरजीत सिंह तोड़ के मोर्चे फतेह करके चढ़दियां कला के नाल पंजाब परते। बाबा सरजीत सिंह जी दल के नाल विच रहे सन। बाबा सरजीत सिंह ने दल दे विच रह के सारियां सेवावां सिखिया, मर्यादा सीखी, सारिया मर्यादा सीखे ते दल दे विच बेअंत सेवावां कीतियां। जिस तरह पहला घोड़सवारी छपाई भर्ती सन, दोबारा मुड़ के निशानती सिंह रहे, देगा की सेवा की। इस करके बाबा सरजीत सिंह ने बेअंत सेवावां कीतियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहिब बाबा सरजीत सिंह जी दिवाली का जोड़ मेला महला खेड के बाबा जी तो आग्या लै गए। अगले दिन दल का पड़ा खुरमलिया पिंड बाबा मंगल सिंह दे ला गए, अपने पिंड नूं चाला मार गए। पिंड अपने बाबा जी 20-22 साल बाद पिंड गए ही किसी नहीं पछाणिया कि सरजीत सिंह। बाबा सरजीत सिंह दे माता पिता जी भी चढ़ाई कर गए सन बाबा जी दे वजोग विच ही। इस तरह समा बाबा जी दसदे हुंदे सन कि असीं गए ते घर भी प्रधाइयां जे नवीआं विआह गईआं ही, उन्हां नूं विचार नूं की पता कि निहंग सिंह कौण आ, उन्हां नूं नहीं पछाणिया। वह तो मुड़ के भाई दलीप सिंह नूं जदों मिले जा के अपने छोटे भाई नूं, उन्हें जदों आण के घर दस्या फिर प्रधाइयां ने माफ़ी भी मंगी ते गल्लां बातां चलो होईआं। रात सारा सरीका जिहड़ा सी ताए चाचे जिहड़े इकट्ठे हो गए, एक खुशी दी लहर पिंड दे दौड़ गए। सरजीत सिंह आ गया, कन्हंग सिंह छज्जिआ। इस तरह का समा बाबा जी दसदे हुंदे सन। फिर बाबा जी अमृत वेले दे नितम करके फिर सवेरे वो जिहड़ा साध सी उहदे डेरे जन जांदे गए, वह भी मिलिया। उन्हें नाले माया भी भेड़ा दित्ती बाबा जी नूं, ते वह माया जिहड़ी सी बाबा जी ने आन के सिंह साहिब पंथ पातशाह बाबा संता सिंह जी दे चरणां भेट कर दित्ती। होर इस तरह इतिहास चलदा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨਣ ਕਰੋੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 20-25 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਰਜੀਤ ਰਹੇਗਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਦੇਖੀਏ, ਲਾਂਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਨਗਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਘਰ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾ ਤਾ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਜੋੜ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਲੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜਾਅ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਦੌੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਨੜ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਮੋਢੇ 'ਤੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ, ਗਲ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਾਤਰੇ ਤਲਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਨਾਲ ਗੜਵਾ, ਅਤੇ ਦੌੜ ਛੱਡੀ, ਕਿੱਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ ਛਿਆਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਹਿਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਮੀਰ ਜਹਿਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਗਾਰਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾ ਲੱਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ
श्री अखंड पाठ साहिब जी के प्रकाश किए गए आज तो मध तो अंत निर्गुणता संपूर्ण भोग पे अरदासा मिलदिया हुई आरती आरता समेत अरदासा मिलदिया करके सिंह साहिबान पातशाह बाबा संता सिंह अकाली जी ने गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े से संगतान को चरणा पाया। तिलक लगे महल्ले खेडे गए महल्या की अगवाई सिंह साहेब बाबा संता सिंह अकाली शान करोड़ी ने की। निशान साहब ताबिया सारे जसमें निशान साहेब हट साहेब सिंह साहेब बाबा संता सिंह जी पड़ाव से सारे निशान साहब सिंह लैके आ कर दस जथेबंदियों ने बाबा जी निशान सिंह सत्कार किया। निशाना फुलों के हार पा के सरोपित दे के निशान सिंह निशान साहब ताबिया महला खेडिया अगवाई पंथ पातशाह सिंह साहेब बाबा संतखी ने अपील की। पिछे सिंह साहेब बाबा बिशन सिंह जी तरना दास बाबा बकाला वाले उन्होंने पिछे बाबे दया सिंह जी बिर चंदीए और पिछे सारिया जथेबंदियां आदि बाबा जी के मगर चढ़ गए हैं। महला कतरता के महला खेडा जाता है। महले खेड के आन के सपूर्णता हुई गुरु का लंगर रात मरते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहिब बाबा सरजीत सिंह जी जोड़ मेला मना के महला खेड के दिवाली का पिंड खुरमलिया बाबा मंगल सिंह जी के पड़ा दे दल का पड़ा करके अपने पिंड गए तो पिंड वाले किसी नहीं पछाणिया कि सरजीत सिंह है। बाबा जी घर गए कि दो भाइयों का विह हो चुका है भाई सुलखण सिंह ते भाई वसण सिंह का भाई दरीप सिंह का भी विह हो चुका है। बाबा जी पांच भाई हैं बाबा सुलखण सिंह भाई भाई वसण सिंह भाई दरीप सिंह भाई हाकम सिंह बाबा सुरजीत सिंह जी दे थे सन। जो घरे गए घर भरदाइया ने भी नहीं पछाणिया क्यों भरदाइया आईया ही मगरों बाबा जी ने 20-22 साल हो गए दल च गया किसी पता ही नहीं कि बाबा जी दल के गए कितने गए कोई पता नहीं क्योंकि उदों तो मोबाइल भी नहीं होंगे कि फोन कर दे कितना कितने आ दस दे पर ज्यों दल के गए ज्यों सेवा कर लगे सेवा दे सेवा करद्या करद्या 20-22 साल लंघ गए। माता जी पिता जी चढ़ाई कर गए माता जी कहते होंगे सन सरजीत सिंह चंगा पा लगा पता नहीं कि चल गया वो बहुत जो कर दी माता जी। बाबा सरजीत सिंह घर जा पूछा कि भाई कितने आ दलीप सिंह जरा वा छोटा भाई का बाबा जी तो नहीं वह बाहर गए खेतों जा भरगाइया दुधा तो पा दिता क्यों पछाणिया नहीं उन्हें उन्हें पता नहीं लगा कि बाबा सरजीत सिंह साडा देवर आ। बाबा सरजीत सिंह जी बाहर खेतों में चल गए भाई दलीप सिंह मिल गया खेतों काम करता है खेतीबाड़ी का तो बाबा जी कहते कि अं दोवें भरा गल लग गए तो बड़ा गए तो छोटा भाई दलीप सिंह कहता ही सरजीत तू किसे चल गया वो तेरा पता ही लगा है तेरा भोग भी पा छड़िया खंड पा नहीं भरा छड़िया इस तरह कर दें गल्लां मुड़ता फिर वो घर आ गए घरदियां नूं पता लग गया चाचे ताए सारे जिहड़े आ रात नूं इकट्ठे हो गए प्रशादा पाई लंगर पाई उन्हां जिधर बाबा सरजीत सिंह दे घरे छक गया सारिआं ने इधर ही पक्या तो जिहड़ा साध ही बाबा श्री चंद जी का वह भी आ गया
वो कहते कि सरजीत साहब तेरा विआह कर दिए, माता जी नहीं है, पिता जी भी चल गया तेन छड़ के, तू छड़ के चल गया पहला, मुड़के वो जोग दे चले गया, बाबा जी विआह वास्ते नहीं मन्ने। बाबा जी कहने लगे मेरे माता पिता बाबा संता सिंह या पिता वो ही मेरी माँ वा, दाल पंथ दे विच मैं सेवा करनी है, इस तरह रात गल्लां बातां करदे आ, होर विचारां करदे आ, पिछलियां गल्लां करदे करदे रात दे 12 बज गए मुड़ के सारे जिहड़े आ सौं गए, अपने सुख लैण लग पए, अपने घरां चले गए। बाबा सुरजीत सिंह गड़वे जल पाया ते बाहर जंगल पानी मैदान खेडन चले गए, आन के नितिनम कीता, नितिनम करके गुरुद्वारे गए, गुरुद्वारे जदों गए संगत नहीं पछाणिया, बाबा जी राम जंगा जिहड़ा सी गातरे सी वड्डी कृपान बरशी हाथ विच सी, ते राम जंगा पिस्तौल वो भी गातरे जी, पिंड वाल सत्कार ते बहुत कीता, निहंग सिंह आया, पर किसी नूं पता नहीं गए बाबा जी बाबा सरजीत सिंह ने। इस तरह पिंडों हो गए, फिर दल दे विच पिंड फुरमणियां बाबा मंगल सिंह उन्हां दे पड़ाव चले गए, बाबा जी सेवा च हाजिर हो गए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, दो दिन साढ़े को वीडियो नहीं पाई गई, तो साड़िया अखा दे सुत्या पिया, रात को पता नहीं की पै गया, अखा बहुत जड़ियाँ जख्म हो गए अखा के अंदर, अज कुछ ठीक हो अजे भी ठीक नहीं गई। तो आप बाबा जी का जीवन बारे आप जी दस रहे हैं, बाबा सिंह साहब बाबा सुरजीत सिंह के पिंड आया ताया चाचिया चाचिया ताइया ने बड़ा शुक्र किया, महाराज शुकराना किया बाबा सुरजीत सिंह जिहड़े ने साडे बेटे जिहड़े ने साडे भतीजे जिहड़े ने साडे भरा जिहड़े ने वह प्रगट होए, 20-25 साल बाद आए, इस करके उन्हें बहुत जोर लाया सुरजीत सिंह तेरा विआह कर देंगे, विआह कर देने तू जिहड़ी चीज़ तेन चाहिए दस मूँह कढ़, चाचे ताए इन्ना प्यार कर दे। बाबा जी ना मन्ने, बाबा जी कहन लगे असीं पंथ पातशाह नूं समा दे के आए हैं, तो समा समय के मुताबिक असं बाबा जी को जाना, तो अह बाबे जी साढ़े पिता जी बाबा संता सिंह जी ने अकाली 96 करोड़ी, तो साढ़े माता भी बाबा संता सिंह जी अकाली हैं, इस तरह परिवार तो मिल के मिल गिल के पूरे 12 बजे नाल महला खेडन तो पहला खुरमली पिंड पहुँच गए, खुरमली पहुँच के महले खेडे, रात में पंजा प्यारियां ने संगतां नूं बहुत वड्डी गिनती विच अमृत छकाया, 150-200 बंदे सिंघां नूं अमृत छकाया, तैयार प्रत्यार किया, इस तरह सिखी का प्रचार करते हुए पंथ पातशाह सिंह साहिब बाबा संता सिंह जी अकाली जी खुरमणियां तो अटारी बार्डर के कंडे कंडे सिखी का प्रचार करते हुए अमृत छकाते हुए सहजे सहजे पड़ा लाते लाते सुर सिंह पहुँच गए, सुर सिंह पड़ा लाया, बाबा सोहन सिंह ने बहुत सत्कार किया, बाबा जी नमस्कार कीतियां, रखतां बखतां घोड़ियां वास्ते सिंघां वास्ते चोले रखतां बखतां माया दित्ती, सिंघां नूं मंडी वरताई इनाम दिते, सिंह साहिब जी उत्थों पड़ा अगे चाला मार के सुल्तानपुर लोधी पहुँच गए, क्योंकि गुरु नानक साहिब का प्रकाश दिहाड़ा आ गया ही, प्रकाश दिहाड़े करके सुल्तानपुर लोधी जा पड़ा लाया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।